नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां उमरपुर कोयलारी गांव निवासी रामाश्री राजभर एवं पंचम राजभर के परिजनों के बीच मंगलवार की रात ईंट पत्थर लाठी चले, जिसमें 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोप है कि राजन राय, विजय कुमार राय व सुनील राय के घर में पहुंचकर तोड़फोड़ किया। मीडिया से बातचीत में महिला ने कहा कि पुलिस ने घर की खिड़की, दरवाजा, पंखा, कूलर सहित खाने पीने के सामान को भी नष्ट कर डाला है। साथ ही आसरा राजभर के मड़े गिराने के साथ साथ खाने पीने के सामानों को नष्ट करते हुए बर्तन को भी तोड़ डाला। हालांकि विवाद का सही कारण क्या है, अभी ये एक पहेली बना हुआ है। पुलिस पर लगाए गए आरोप कितना सही है, इसकी TV20 न्यूज़ पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर पुलिस पर लगाए गए आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये सरासर निंदनीय है। फिलहाल हम आपको एक महिला की बात सुनवाते हैं। हम लोग सभी लोग व्रत थे, व्रत में यही भौरी दाल लगा रहे थे और घर के आदमी नहीं थे तब तक वो लोग आए और मारपीट हम लोग को शुरू कर दिए। कहें कि हम लोग 40 साल से प्रधानी कर रहे हैं, हम किसी को प्रधान नहीं होने देंगे, नया प्रधान को। और मारे पीट ये देखिए, मेरी ये सार जेठान है, 10 साल से ये बीमार तक नहीं मिली है, बहुत मारे। फिर प्रशासन आई है, वो भी घर में घुस के, वो गार्जियन लेकर के आया, घर में घुस करके हम लोग को मारा है। प्रशासन भी मारी है, देख लीजिए सारा सामान दिख रहा है, बताइए। प्रशासन का ये एक नियम है, मेरी ये सब लाइट वोट सब, और बताइए मुझे कह रहे हैं लाइट वोट का बोर्ड सब लोग फोड़ दिए, मारे हैं एकदम, पंखा सब फूट गया था। और आकर के भला बुरा वो गालियां दिए, मारे बहन बेटी सब लगा के गाली दे रहे। 40 साल से प्रधानी कर रहे हैं, तुम लोग नया में प्रधानी करोगे, बताया। उसके गार्जियन लेकर के हम लोग को घर में घुसा था, लेडीज और जेंट्स दोनों घुसे थे, लेडीज हम लोग को मारी और कुछ सबूत भी नहीं पूछी कि क्या गलती है क्या नहीं, सीधे मारना शुरू कर दी, तोड़ फोड़ भी की है। खाते हैं, किसी से हम लोग मतलब नहीं रहता है, जब मजदूरी करेंगे हम लोग, वही हम लोग को मजदूरी देगा तो खाएंगे और क्या करेंगे।